उधर विपक्ष योगी को मुस्लिम विरोधी बताता रहा, इधर योगी ने मुस्लिम पर ही खेल दिया बड़ा दांव। भोले की नगरी काशी विश्वनाथ से योगी ने चला ऐसा दांव कि सभी विपक्षियों को दे दिया बड़ा घाव। बीजेपी ने प्रदेश में निकाय चुनाव में 300 से ज्यादा मुस्लिमों को मैदान में उतारा, बनाया मास्टर प्लान। आखिर योगी ने काशी से किस मुस्लिम पर चला दांव, आखिर कौन है मोदी की काशी के 3 मुसलमान जी। देश की राजनीति ने वो दौर भी देखा है जब एक छोर पर खड़ी बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर विपक्ष खूब सियासी रोटियां सेका करता था और उनसे वोट बटोरता था। लेकिन अब लगता है कि मोदी योगी राज में विपक्ष का ये दांव भी फेल करने की बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हो रहे निकाय चुनाव में मुस्लिमों पर बड़ा दांव खेलते हुए 395 मुस्लिमों को टिकट देकर मैदान में उतारा गया है, जिसमें 3 उम्मीदवार तो महादेव की काशी से चुनाव लड़ रहे हैं जो देश के पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कौन है काशी के वो 3 मुसलमान जिन पर मोदी और योगी ने खेल दिया है तगड़ा दांव। पहली प्रत्याशी है हुमा बानो। हुमा बानो को बीजेपी ने गंगा किनारे के मुस्लिम बहुल क्षेत्र मदनपुरा से टिकट देकर मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 78 से चुनाव लड़ रही हुमा पिछले कई सालों से बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। हुमा को उम्मीद है कि उन्हें जनता का समर्थन जरूर मिलेगा और जीतकर वो पार्षद भी बनेंगी। लेकिन जिस बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है उस बीजेपी में रहकर राजनीति कर रही हैं। हुमा बानो ने बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद कहा कि वो खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। उन्होंने कुछ सोच समझकर और मेरा काम देकर ही टिकट दिया है, ऐसे किसी को टिकट नहीं मिल जाता और जिस मदनपुरा से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ जनता मुझ पर पूरा भरोसा करती है। हुमा बानो सालों से समाज सेवी के रूप में जुड़ी रही हैं, चाहे वो मास्क बांटने की बात हो या कावड़ियों पर फूल वर्षा कराने की बात हो। हुमा बानो को इसी साल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने देश के कम्युनिटी लीडरों के पैनल में नामित किया था। दूसरे प्रत्याशी हैं वकील अहमद अंसारी। जिस काशी को भगवा का घर कहा जाता है, जिस काशी में बीजेपी का किला भेदने का विपक्ष का पसीना छूट जाता है, उस भगवा किले में बीजेपी ने एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर मैदान में उतारा है। वकील अहमद अंसारी को जमालुद्दीनपुरा से बीजेपी ने पार्षद का टिकट दिया है। पार्टी से टिकट मिलने के बाद वकील अहमद अंसारी कहते हैं कि अगर हम पार्षद बनते हैं तो सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेता कम ही चुनाव जीते हैं, इसलिए बीजेपी मुसलमानों को टिकट देने से परहेज करती है। लेकिन इसके बावजूद अहमद अंसारी को इस बार पार्टी से टिकट मिला है और उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें वोट जरूर देगी। तीसरी मुस्लिम प्रत्याशी हैं रेशमा परवीन। बीजेपी ने जिन 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में टिकट देकर उतारा है उसमें तीसरा नाम रेशमा परवीन का है, जिनमें बीजेपी ने बंधु कच्ची बाग वार्ड नंबर 99 से टिकट देकर मैदान में उतारा है। जिनके पति नजमुद्दीन भी लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े रहे, जिनसे सवाल किया गया कि बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है फिर आप कैसे बीजेपी से जुड़ गए, तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी होती तो मुसलमानों को टिकट क्यों देती। योगी मोदी की पसंद पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम दोनों को पसंद करते हैं, मैं बीजेपी का सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। बीजेपी जिस तरीके से निकाय चुनाव में मुसलमानों पर दांव खेल रही है उससे विपक्ष में जबरदस्त खलबली मची हुई है। सभा के साथ साथ बसपा भी हमेशा मुसलमानों पर भरोसा जताते आई है, यहाँ तक कि 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने MY यानी मुस्लिम ब्राह्मण वोटर से दांव आजमाया था। इसलिए जब बीजेपी ने मुस्लिमों पर दांव खेला तो मायावती गुस्से में बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र वाला बताने लगी। इस बात को आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के मुस्लिम दांव से विपक्ष कितना परेशान है। बीजेपी के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।